दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 9 इंच पिलर से 4 इंच को दीवार किस तरीके से लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को बनाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आप भी इसी तरीके से 4 इंच दीवार में 9 इंच का पिलर बनाएं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं ये 9 इंच का पिलर है और यहाँ पे 4 इंच का दीवार ये वाला लगा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से इसका जोड़ जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कटा हुआ है। और इसको हम किस तरीके से बांधेंगे, अगर मान लीजिए दोस्तों, जो कई बार तो होता है जो दीवार का जहाँ नुक्कर होता है वहाँ पे भी होता है, तो अगले वाले वीडियो में बताऊँगा जो 9 इंच दीवार में फिर दाढ़ा हम किस तरीके से इसमें बनाते हैं। इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मतलब इसको हम किस तरीके से मतलब इसका ठेहा बांध। पहले क्या करना है यहाँ पे, दीवार के पहले हम मसाला रख लेंगे। यानी मान लीजिए पहली बार आप डीपीसी के ऊपर लगाएं तो उसको किस तरीके से बांधना है। तो यहाँ बिल्कुल बराबर मसाला जो है उसको बिछा लेना है पहले, और उसके बाद में क्या करना है, एक ईंट लेंगे जिसका कोर धार बढ़िया हो, वो ईंट को लेकर और यहाँ पे रख देना, इधर फेस में मिला के और इधर मिला के, मतलब बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और उसके बाद में इस तरीके से एक पौन ईंट ले लेना है और यहाँ रख देंगे, मतलब इसी के सिधाई में बिल्कुल बराबर रखना है। और ये जो ईंट होगा उसको बिल्कुल बराबर रखना है, और उसके आगे एक ईंट और यहाँ रख देंगे। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं ये ठेहा जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है, यानी कि जो भी हम ईंट लगाए हुए हैं ये वाला ईंट बिल्कुल इसके सिधाई में ये वाला ईंट आ रहा है। और इसको 1, 2, 3 जगह हम साहुल करते हैं, तो साहुल भी किस तरीके से करेंगे वो भी बिल्कुल ध्यान से देखा। तो एक जगह तो हम यहाँ करेंगे और दूसरा जो होगा हम यहाँ कर लेंगे। बिल्कुल जितना गैप यहाँ रखना है उतना ही गैप यहाँ रखना है, और उसके बाद में यहाँ पे कर लेंगे एक साहुल, मतलब जो नीचे वाला ईंट है उसी से हम साहुल कर रहे हैं, और उसके बाद में एक जगह हम यहाँ कर लेंगे। जिस ईंट से हम करते आए हुए हैं तो उसी ईंट से हम साहुल पूरा ऊपर तक करते आ रहे हैं, और बिल्कुल साहुल में है, हर एक में साहुल कर सकते हैं, बिल्कुल साहुल में है। 4 इंची दीवार दोस्तों ऐसे लगाना है कि जहाँ से मर्जी देख लो साहुल कर लो, बिल्कुल करेक्ट ही होना चाहिए। तो साहुल में बिल्कुल अच्छी तरीके से ये करेक्ट हो चुका है। और उसके बाद में क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत को मिला लेना है, जैसे हम साहुल किए यहीं से सूत को मिला के आगे वाला जो ईंट है इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। और उसके बाद में ईंट रख के और बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के और बांध देना है, और थोड़ा सा ही गैप दे देंगे सूत, इतना गैप। और उसके बाद में हम इसमें 4 इंच दीवार जो है इसको हम किस तरीके से लगा के इसमें बढ़िया जोड़ काटते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दीवार के ऊपर पहले मसाले को पहले रख लेना। ये जो मसाला बना हुआ है ये 4 कढ़ाई 1 और 1 कढ़ाई 3 मिनट है, यानी कि 4 एक का मसाला हो गया। और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फैला लेना। अगर मान लीजिए दूसरी चेहरे की तरफ कोई और मिस्त्री लगा रहा है दूसरा, तो वहाँ पे मसाला कैसे बिछाना है, जो ये सूत है उससे नीचे से ही बिछाएंगे। अगर अकेले लगा रहे हैं फिर यहाँ से आप बिछा सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर से मसाला बिछाइएगा तो सूत जैसे भी देख सकते हैं काफ़ी हिलेगा, तो दूसरे साइड का जो मिस्त्री लगा रहा होगा वो भूसा का होगा, तो बार बार सूत। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला है वो हम बिछ चुका है। ये सूत के नीचे से बिछाइएगा तो थोड़ा सा भी जो करनी है, जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा भी करनी है, हमारा सूत में टच नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से ऐसे ऐसे बिछाइएगा तो सूत काफ़ी हिलेगा, और दोनों तरीका बढ़िया है। और एक बार करनी को यहाँ कर देंगे या दूसरी बार हम यहाँ कर देंगे, तो मसाला जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बिछ चुका है। अब आगे हम ईंट किस तरीके से लगाते हैं, तो जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के रखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये ईंट रखे हम यहाँ पे, तो बिल्कुल ये नुकर जो पूरा ईंट का है बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में मिला हुआ है। और जिस इसके आगे जो भी हम ईंट लगाते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से उसका जोड़ जो भी है वो बढ़िया कटेगा। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जोड़ कट रहा है। कई बार दोस्तों होता है थोड़ा जोड़ काटता है, वो चुनाई बढ़िया देखने में नहीं लगता है, तो बढ़िया जोड़ काटने के लिए कभी भी चुनाई लगाएं तो इसी तरीके से जोड़ काटें बिल्कुल बीच में, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो भी ईंट रखेंगे ठोक के लगाएंगे। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, और जब आखिर तक दोस्तों आपका चुनाई लग जाए, यानी कि जहाँ तक आपको लगाना है वहाँ तक लग जाए, तो ये दर्ज की बात करें तो दर्ज क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको भर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं इधर हाथ लगा के जब भर रहे हैं तो कितना बढ़िया तरीके से इसमें मसाला भर रहा है,
मसाला जो है उसको आलू बहुत भरेंगे तो काफ़ी बढ़िया मतलब इसमें मसाला बढ़िया तरीके से पीसिंग होगा। तो इस दर्ज में जितना ही मसाला हमारा लगेगा उतना ही मजबूती ज़्यादा होगा। और उसके बाद में ये साथ साथ ही दर्ज जो है इसको बढ़िया तरीके से मसाला मार मार के और टीप टीप के लगाना है, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया साफ में चुनाई लगा रहा है। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पहले हम किस तरीके से लगाए तो वो मैं बताना चाहूँगा। एक साबुत ईट यहाँ और एक पौन ईट यहाँ, और बाकी ये जो पौन ईट हम काटे हुए हैं यानी कि ये वाला जो ईट लगा है अंदर, तो ये 2 इंची अंदर है यहाँ पे, और बाकी इसी तरीके से लगा हुआ है। तो 2 इंची जब ये अंदर है तो यहाँ पर हम इसके ऊपर फिर किस तरीके से दाढ़ा इसका हम बांधेंगे, मतलब इसका हम जोड़ किस तरीके से काटेंगे फिर। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले मसाले को रख लेना है, मतलब जितना नीचे हम रादे में मसाला दिए हैं उतना ही इस रादे में भी मसाले को पहले रख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोग जितना लंबा से लंबा दीवार हो आप इस तरीके से 4 इंची दीवार में 9 इंच का इस तरीके का पिलर बना लेंगे तो बहुत बढ़िया, मतलब इसका मजबूती भी काफ़ी होता है। तो इसमें अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं पहले तो जो हम ये वाला रुख से ईंटा दिए थे तो दूसरा इधर से ये वाला रुख से ईंटा हमको रखना है और एक ईंटा और हम वहाँ पर रख देंगे, मतलब ये जो दोनों ईंटा रखे हैं ये बिल्कुल बराबर में रखना है, एकदम बिल्कुल बराबर ही ना दोस्तों, इधर उधर झुकना नहीं चाहिए इसको, तो नहीं तो झुकेगा तो साउंड करने में फिर दिक्कत होगा। और इसके आगे क्या करना है, एक डेली रख देंगे, जैसे कि डेली इस तरीके से काट लेना है और यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि जो हम इधर पौने का जहाँ भी चाल होता है वहाँ पे मतलब इस तरीके से एक डेली रखेंगे तो उसका जो जोड़ होगा वो बढ़िया तरीके से कटेगा। और यहाँ पे जैसे कि एक आगे और ईंट रख दिए हैं तो जो आगे वाला ईंट रखे हैं तो कितना बढ़िया तरीके से ये नीचे जो हम यहाँ ईंट लगाए हुए थे इसी के बिल्कुल बराबर है, मतलब ये सब बिल्कुल बराबर, क्योंकि हम यहाँ पीछे पौने का चाल बनाए हुए हैं तो यहाँ आगे डेली दिया है मतलब कि, तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से जोड़ कटा हुआ है। कोई भी ईंट जो हम लगाए हुए हैं जैसे ये ईंट लगाई ये तो इसका बिल्कुल बीचों बीच ये जोड़ कटा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं। और उसके बाद में जिस ईंट से हम पहले साउल किए थे उसी ईंट से फिर साउल कर लेना है। और उसके बाद में ये जो नुकर है यहाँ पे भी हम साउल कर लेंगे, यानी कि जितना हम गैप वहाँ रख रहे हैं उतना ही हर एक ईंट में गैप रखेंगे। तो ये वाला ईंट और ये वाला दोनों ईंट में हम कर लिए हैं, बिल्कुल बराबर है वहाँ पे। उसके बाद में ये वाले नुकर में भी मतलब जिस ईंट से हम पहले साउल किए थे उसी ईंट से फिर हम साउल कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ साउल का जो कंडा है इस नुकर में बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा हुआ है और इतना ही गैप हम फिर यहाँ भी रख लेंगे। तो ये वाला ईंट से हम साउल किया है तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो ईंट है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा हुआ है, और आगे वाला जब ईंट हटा होगा तो इसको हम बिल्कुल सूत में सटाएंगे, जैसे कि ये भी ईंट सूत में सट गया है। और ये दर्ज जो है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भर लेना है, मैं नहीं भर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और उसके बाद में यहाँ रह के और इसको बांध के और जितना हम सूत के गैप ये सूत है इतना हम गैप यहाँ दे देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मसाला दीवार के ऊपर रखेंगे और आगे हम चुनाई लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ कर देंगे और आगे तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से मसाला बीस चुका है। और क्या करना है, जो भी ईंट रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के रखना है, जैसे कि देख सकते हैं जो भी ईंट रख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब बिल्कुल सूत के बराबर बैठ रहा है, अच्छी तरीके से बैठा के लगाना है। मतलब मसाला ऐसे बिछाना है जो मतलब जो ईंट हो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठे, मतलब ज़्यादा ठोकना भी ना पड़े क्योंकि 4 इंच का जो दीवार है। और यहाँ पे रख देंगे ठोक के, मान लीजिए कोई ईंट अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊंचा भी होता है तो उसको इस तरीके से ठोक के और बिल्कुल सूत में कर लेना है। और दर्ज की बात करें तो दर्ज भी बिल्कुल बराबर रखना है, जैसे कि देख सकते हैं इसके बाद में किस तरीके से जोड़ कटता है हमारा बढ़िया तरीके से। और आखिर तक चुनाई लगाने के बाद में दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको भर देंगे। ये
दर्द को बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक से लगाना है। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ जी, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से 4 इंच दीवार में 9 इंच का पिलर बनाने का तरीका बहुत बढ़िया तरीका लगा होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।